मोहम्मद की गली में तू मरा होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, दिल देकर अगर मेरे नबी को दिल दिया होता। दीदार कर ले चचा, वतन में रह के खुद अपना ये घर अच्छा नहीं लगता। सलमान भाई, वतन में रह के खुद अपना ये घर अच्छा नहीं लगता, बिछड़ के तुझसे ऐ तैबा नगर अच्छा नहीं लगता। मजबूरिया है सामने वरना, तलाशे रिज़्क़ की मजबूरिया है सामने वरना, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। जहां के ख्यालों से मुत्तफिक, साइंस के उलूम में जितने उसूल हैं, मिर्रीख चांद जोहरा अतारुद खला धनक, ये सब मेरे रसूल के कदमों की धूल है। ये मिसरे दोबारा पढ़ूंगा। अफसर भाई एक मिनट, असीर भाई मैं भी जाऊंगा, मजबूरी ये हो गई कि दो साल मुझे चंदेरी आए हुए हो गए हैं। वतन में रह के खुद अपना ये घर अच्छा नहीं लगता, बिछड़ के तुझसे ऐ तैबा नगर अच्छा नहीं लगता, तलाशे रिज़्क़ की मजबूरियां है सामने वरना, सफर अच्छा नहीं लगता।
देखकर, क्योंकि प्यास का एहसास बढ़ जाता है दरिया देखकर, प्यास का एहसास बढ़ जाता है दरिया देखकर। देखना आसान है क्या जलवा रसूल अल्लाह का, अरे खुद कहाँ रहता है बाकी आंख वाला देखकर। रास्ता बना डाला जमाली हमसे मरीजों के वास्ते रब ने, मदीने पाक को दारुल शिफा बना डाला। मतलब शुरू करने से पहले एक बार और देखना चाहता हूं, तुम में से मदीना कौन कौन जाना चाहता है? जो सरकार के रोजे के दीदार के तलबगार है, उन लोगों से सिर्फ मसला नजर कर रहा हूं तो वो जो जाऊंगा। रेडी 1 2 1 2 3 गो।
रिक्शों में बैठे हैं उनसे इल्तमास है, जिस महफिल में हुजूर का जिक्र होता है वहां रहमतों के फरिश्ते आते हैं। जरा झूम के सुभान अल्लाह कह रहे हैं आप लोग। पहला बंद इसमें जम कर रहा हूं मेरे नाना मरहूम शेख बिजनौरी साहब का। क्या चाचा? गुनाहों की यहां सब आशिक रसूल बैठे हैं।
कोई ऐसा नहीं है कि जिसके दिल में ये तमन्ना ना हो कि जिंदगी में एक ही बार से ही लेकिन उस दरबार की जियारत हो जाए। तवज्जो दे, तड़पते हैं
भी बुला लीजिए। एक थोड़ा सा हटके है जो नजर कर रहा हूं, आप लोग भी हजरत तवज्जो दें। मैंने हर नात में रफीक भाई कोरस रखा है और वो कोरस मेरे कोरस वाले नहीं, आप करते हैं। कभी सुभान अल्लाह बोलते हैं, कभी आप हैं बोलते हैं, लेकिन इस बार सबसे हटके है। आपको सिर्फ इतना कहना है, आधा इधर आधा उधर। क्या कहना है देखो, नया है, क्या कहना है शरीफ से का सुनना अफसर भाई। तंग है सब देख कर, तंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। तंग है सब, जब मिसरा खुलेगा तो मेरा यकीन है कि मचल जाएंगे, क्योंकि हम आशिक रसूल हैं, गुलामाने रसूल हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हैं, इसलिए तवज्जो दे। तंग है सब देख कर, मेरी इल्तिजा है कितने आशिक रसूल बैठे हैं यहाँ, सबूत दे जरा, हाथ उठाए। जिन हजरात ने हाथ उठाया है उन्हें उनके माँ बाप की कसम है, जोर से बोलेंगे। तंग है सब देख कर, तंग है सब देख कर, हो गया पल में अमर। तंग है सब देख कर, हो गया पल में अमर। एक तरफ मक्का की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, एक तरफ मक्का की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, एक तरफ मक्का की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। एक तरफ मक्का की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। मक्का की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, काश होता मेरा घर। दो उंगलियों से जब ये हाल है तो अब क्या मामला है। खैबर पर मेरे अली गर मार देते एक हा, खैबर पर मेरे अली जब मार देते एक हा, वो भी होता टूट कर, वो भी होता टूट कर। गुलामाने नबी कितने बैठे हैं, सभी हैं, तो इसलिए कहना है जो लोग
लोग सरकार को बशर कहते हैं, अरे सरकार की तो बहुत बड़ी बात है, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है। आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दे, मेरे ख्वाजा के गुलामों से उलझना छोड़ दे, मेरे ख्वाजा के गुलामों से उलझना छोड़ दे। चीर देंगे फाड़ कर, सलमान भाई 2-3 साल पहले जब इस स्टेज पर एक तरफ अजीम नाजा साहब थे, एक तरफ मैं था, तो अजीम भाई से मैंने एक जुमला कहा था कि मैं जब भी इनके साथ कोई प्रोग्राम होता है मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जब पहला प्रोग्राम हुआ तो गाड़ी मिली, दूसरा भी हुआ तो गाड़ी मिली, तीसरा हुआ तो मैं इंडिया से बाहर गया। तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि जब अनीस से प्रोग्राम होता है तो मुझे मदीने का टिकट मिलता है, कहा था। अब हक्कुल ईमान कह रहा हूं, वजू से हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, एक सच्चे दरबार में हूं। जब उन्होंने ये जुमला कहा तो मैंने सरकार की तरफ निस्बत रखते हुए कहा, सरकार आपके लिए बड़ी बात नहीं है, जब अजीम नाजा मदीना जा सकता है तो अनीस साबरी भी जा सकता है। तो मेरी दुआ कबूल हुई और सरकार ने मुझे उस साल से हर साल मदीने बुलवाया है। तो ये शेर नजर कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि बुजुर्गों की बारगाह में हर दुआएं कबूल होती हैं। सलमान भाई, इस दर्दे मोहब्बत का दीदार ही पिछले साल मेरी हाजिरी बारगाह रिसालत मुआब में थी।
सुबह फजर से लेकर इमरान भाई और ईशा हो गई, जुमे का दिन था, मेरे दाहिने गुर्दे में राइट किडनी में बड़ा खतरनाक दर्द था, ऐसा दर्द कि मुझसे बर्दाश्त नहीं थी। एक बजे के वक्त मैं सरकार के कदमों में बैठा और बैठ के दुरूद पाक पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते एक मिसरा जहन में आया, बेटा हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर। तेरा तो इतना सा दर्द है, ना बड़े बड़े दर्द सही होते हैं। तो मैंने दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सरकार के आस्थाने की खाक मली जो सामने पड़ी हुई थी, जितनी भी थी, जो भी मेरी हथेली पे लगी वो मैंने अपने गुर्दों पे लगाई और अपने पीर की कसम खा रहा हूं, दो मिनट में वो दर्द कहां चला गया पता नहीं चला। तो इसी तरह मोहब्बत का पढ़ो अपने अशआर मदीने।